अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? सब तैयार हैं डिवीज़न करने के लिए? हमारा टॉपिक चल रहा था डिवीज़न, ठीक है, यानी कि डिवाइड करना, तकसीम करना, और हम इसका पेज नंबर 85 तक कर चुके थे। आज की वीडियो में हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 1 और ये है हमारा पेज नंबर 86। तो आज हमने करना है पेज नंबर 86, 87 और 88, और इन सब पे जो हैं वो डिवीज़न के सम्स हैं। हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छी तरह समझ लिया था कि डिवीज़न क्या होता है, डिवीज़न कैसे किया जाता है और उसको कैसे लिखा जाता है और उसका क्या साइन होता है। सबको याद है कि डिवीज़न का क्या साइन होता है? चले मैं एक दफ़ा आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ। डिवीज़न का साइन होता है, एक ऐसे लाइन होती है, फिर ऊपर एक डॉट होता है और नीचे एक डॉट होता है, इसको कहते हैं डिवीज़न का साइन। जहाँ पे भी ये साइन होता है इसमें, इसका मतलब होता है कि ये तकसीम का सवाल है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर 10 बिस्किट्स हैं और 2 लोग हैं तो हमने कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सबके, दोनों के पास एक जितने बिस्किट्स आए, और इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें टेबल पढ़ना होता है। तो सबको टेबल्स याद होने चाहिए ताकि हम आराम से फिर डिवीज़न का टॉपिक कंप्लीट कर सकें। चलें अब जल्दी से पेंसिल्स निकालिए, पेज नंबर 86 हमने आज करना है और यहाँ से हम शुरू करते हैं। पुट 15 फ्लावर्स इक्वली इन 3 वाजेज। अब ये 3 वाजेज हैं और 15 इसके इनके अंदर फ्लावर्स लगे हुए और हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए क्या होता है, हिंट इन्होंने क्या दी है कि रिकॉल दी 3 टाइम्स टेबल। अगर 3 वाजेज हैं तो हमें 3 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। ये देखें, ये हिंट है। मैंने आपको भी बताया ना कि डिवीज़न में हमें टेबल्स की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। टोटल फ्लावर्स कितने हैं? 15। टोटल वाजेज कितने हैं? 3। देखें, 15 फ्लावर्स बनाए हुए और 1, 2, 3 वाजेज हैं। फ्लावर्स इन ईच वॉज कितने हैं? 15 डिवाइडेड बाय 3। फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिख लेंगे। पता है ना आपको कि हमने क्वेश्चन को फिर ऐसे करके लिखना होता है, और फिर हमें आंसर कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास यहाँ पे है नंबर, उतना हमने टेबल पढ़ना है। जैसे इन्होंने भी बता दिया है कि 3 टाइम्स टेबल को आपने रिकॉल करना है। अब 3 का टेबल यहाँ तक आपने पढ़ना है जहाँ पर 15 आता है। तो हम देखते हैं कि 3 का टेबल कहाँ तक है जहाँ तक 15 आता है। 3 5s are 15, यानी कि 5 फ्लावर्स जो हैं वो 1 वॉज में होंगे, तो इक्वली फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी फ्लावर्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 पूरे हो गए, सही। चलिए अब ये वाला सम आप खुद सोचें कि हमें किसका टेबल पढ़ना है। पुट 24 पेंसिल्स इक्वली इन 4 बॉक्सेस। 24 पेंसिल्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं, जल्दी से बताइए किसका हमें टेबल पढ़ना है। शाबाश, 4 का टेबल पढ़ना है। देखिए, रिकॉल दी 4 टाइम्स टेबल, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन बनाना भी खुद है। कैसे? टोटल पेंसिल्स कितनी हैं? 24, यहाँ पे लिखिए 24। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है 4। पेंसिल्स इन ईच बॉक्स, अब यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन बनाना है। कैसे क्वेश्चन बनेगा? 24 डिवाइडेड बाय, ये साइन डाला हुआ है, 4। अब इस क्वेश्चन को हमने हल करना है और हमने किसका टेबल पढ़ना होता है? 4 का। अब देखते हैं 4 कहाँ तक हम पढ़ेंगे कि 24 आए।
फोर सिक्स आर 24, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सिक्स, फोर सिक्स आर 24, यानी कि हर बॉक्स में सिक्स पेंसिल्स होंगी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी 24 पेंसिल्स की। ठीक है, चलें अगला सवाल करते हैं। डिवाइड 20 आइसक्रीम्स इक्वली इन 10 चिल्ड्रन। 20 आइसक्रीम्स हैं, टोटल आइसक्रीम्स कितनी हैं, 20, बच्चे कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन 10। अब आइसक्रीम्स ईच चाइल्ड गेट्स, ये कैसे पता चलेगा, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 10। अब आपने किसका टेबल पढ़ना है, रिकॉल दी 10 टाइम्स टेबल, 10 का टेबल देखते हैं कि कहां तक पढ़ेंगे कि 20 आएगा। 10 टूज आर 20, ठीक है, यानी कि हर बच्चे के पास 2 आइसक्रीम्स आएंगी, तो बराबर की हम तकसीम कर देंगे 20 आइसक्रीम्स को 10 चिल्ड्रन पे। ठीक है, चलें पेज नंबर 86 हो गया सबका, पेज नंबर 87 निकालिए। सॉल्व एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 8 को आपने 4 से डिवाइड किया, यानी 4 का टेबल हमने पढ़ा, तो 4 टूज आर 8 होता है। ठीक है, तो ईच ग्रुप हैज 2 बेलून्स, हर ग्रुप के पास 2 2 बेलून्स आ जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने हमें करके बताया, ये हमने खुद करना है। 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये कितने गुब्बारे हैं, 15 हैं, डिवाइड कितने पे करना है, 5 पे। अब हर बच्चे के पास कितने कितने बेलून्स आएंगे, सॉरी 5 ग्रुप्स हैं तो कितने बेलून्स आएंगे एक ग्रुप के पास, तो हमने 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है जहाँ तक 15 आए, ज़रा चेक कर लेते हैं। 5 थ्रीज आर 15, ठीक है, 5 थ्रीज आर 15, सो ईच ग्रुप हैज 3 बेलून्स, हर ग्रुप के पास 3 3 बेलून्स होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड हमने पार्ट करना है। 24 डिवाइडेड बाय 4 आंसर हमने खुद करना है, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पे हमने क्या हमने टेबल पढ़ना है, 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है कि 24 आए, 4 का टेबल पढ़ना है, तो 4 का टेबल निकालते हैं। 4 6 आर 24, 6, सो ईच ग्रुप हैज 6 बेलून्स, हर ग्रुप के पास 6 बेलून्स होंगे। ठीक है, जब 24 टोटल बेलून्स हैं और 4 ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप के पास 6 6 बेलून्स होंगे। 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, अब 18 बेलून्स हैं और 3 ग्रुप्स हैं, तो कितने कितने बेलून्स होंगे, हमें 3 का टेबल पढ़ के पता चल जाएगा। 3 का टेबल हमने पढ़ना है जहां तक 18 आता है। 3 6 आर 18, ईच ग्रुप है 6 बेलून्स। ठीक है, आसान है ना, बस इसके लिए आपको टेबल याद होने चाहिए, फिर बहुत आसान हो जाएगा। चलें अब अगला पेज करते हैं, पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 है सॉल्व द फॉलोइंग, वही चीज है, लेकिन ये हमें इन्होंने अब सामने कोई चीज बना के नहीं दिखाई दी, यहाँ पे हमारे साथ उन्होंने बेलून्स को बना के भी दिखाया था, यहाँ पर हमने खुद सोच के करना है। पहले तो क्वेश्चन पढ़ना आपको आना चाहिए, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने आंसर देखना है। अब तो सबको पता चल गया कि हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक, जहाँ तक 12 आएगा। 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 फोर्स आर 8, 2 फाइव्स आर 10 एंड 2 सिक्स आर 12। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, अब 4 का टेबल पढ़ना है 28 तक, 4 सेवन्स आर 28। 40 डिवाइडेड बाय 5, अब 5 का टेबल पढ़ें, 5 एट्स आर 40। 20 डिवाइडेड बाय 2, अब 2 का टेबल पढ़ें,
टू टेंस आर 20, सेवेंटी डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू, अब 10 का टेबल पढ़ें, 10 सेवंस आर 70, ठीक है, 7, 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल पढ़ें, जहां तक 45 आए, 5 नाइंस आर 45, 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे कि 100 आए, 10 टेंस आर 100, ठीक है, अब ये वाला सम करें, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल पढ़ें, 5 6 आर 36, 27 डिवाइडेड बाय 3, 3 9s आर 27, 32 डिवाइडेड बाय 8, अब 8 का टेबल पढ़ना है हमने, 8 4s आर 32, 4, 50 डिवाइडेड बाय 5, 5 का टेबल पढ़ें, 5 10s आर 50, 10, 4 4 जार, अब 4 को 4 से ही डिवाइड करना है, तो हमने 4 का टेबल पढ़ना है, 4 1 जार 4, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सारा डिस्ट्रीब्यूट्स 21 कपकेक्स इक्वली इन 7 फ्रेंड्स, हाउ मेनी कपकेक्स डज ईच फ्रेंड गेट, अब देखें कितने सारा ने डिस्ट्रीब्यूट किए कपकेक, सबसे पहले देख लेते हैं 21 कपकेक्स है, हम यहाँ पे लिखते हैं 21, और कितने फ्रेंड्स हैं 7, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, 21 डिवाइडेड बाय 7, पहले हमने क्वेश्चन बना लिया और अब हमने किसका टेबल पढ़ना है, 7 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक, जहाँ तक 21 आए, 7 3s आर 21, आंसर क्या आएगा 3, सो ईच फ्रेंड गेट्स 3 कपकेक्स, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इफ वी पुट 32 ऑरेंजेस इक्वली इन 4 बास्केट्स, 4 बास्केट्स हैं और 32 ऑरेंजेस हैं, तो हमने क्या किया, पहले हमने क्वेश्चन बनाया, 32 माल्टे हो गए और कितनी बास्केट्स हैं 4, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ईच बास्केट, हर बास्केट में कितने कितने ऑरेंजेस आएंगे, कैसे पता चलेगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे, कहां तक 32 जहां तक आएगा, 4 का टेबल देख लेते हैं, 4 8s आर 32, यानी कि आंसर आ गया 8, तो हर बास्केट में 8 8 ऑरेंजेस आएंगे, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी 32 ऑरेंजेस की, ठीक है बेटा, आसान है। चलिए आज हमने पेज नंबर 88 तक कर लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेज नंबर 89 समझाऊंगी, इसमें मिक्स्ड करके कुछ चीजें हैं, अभी तक हमने क्या क्या काम किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये चार चीजें पहले मैं आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊंगी, क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं, आपको पता है कि एडिशन के लिए ये वाली चीजें ये वाले क्लू वर्ड्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाले क्लू वर्ड्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाले क्लू वर्ड्स होते हैं, और डिवीजन के लिए ये वाले क्लू वर्ड्स होते हैं, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और फिर मैं आपको पेज नंबर 90 पे जो काम हो रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है बेटा। अब आपने आपका होमवर्क ये है कि आपने इन एक्सरसाइज नंबर 1 को, यानी कि पेज नंबर 86, 87 और 88 को दोबारा से अपनी होमवर्क वाली कॉपी पे करना है,
और उससे पहले टेबल्स को याद करना है, ताकि आप इस तरीके से मैं जिस आपको टेबल देख के बताती हूँ आपको देखने ना पड़े और आपको ज़बानी आ जाए। ठीक है बेटा, चलें अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपना होमवर्क, बहुत अच्छा सा होमवर्क करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।